नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट उड़ीसा से है, जहां उड़ीसा गवर्नमेंट की स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी, इन्होंने 4 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिसकी वर्थ अराउंड 1637 करोड़ रुपीज़ है। अगर प्रोजेक्ट्स की डिटेल में बात करें तो टाटा स्टील का आयरन और बेनिफिशियल प्लांट, जो कि यहाँ पर पहले से इस्टेब्लिश्ड है, जिसकी अभी कैपेसिटी 12 मिलियन टन पर एनम है, इसको टाटा स्टील 17.6 मिलियन टन पर एनम कर देगा विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 496 करोड़ रुपीस। ये प्रोजेक्ट जोधा क्योझर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। वहीं दूसरा प्रोजेक्ट श्याम मेटलिक्स, करीब यहाँ पर 1,080,000 सिलेंडर पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला प्लांट सेटअप करेगा, करीब 55 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके। ये प्लांट रेंगली इंडस्ट्रियल स्टेट संबलपुर में सेटअप किया जाएगा। तीसरा, 50 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन प्लांट मोहांडी कोलफील्ड में करीब 254 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से सेटअप किया जाएगा। वहीं चौथे प्रोजेक्ट की बात करें तो अगेन श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी यहां पर 381 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, जिसकी कैपेसिटी करीब 1500 वैगन पर एनम मैन्युफैक्चर करने की होगी। ये प्लांट हीराकुड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। ओवरऑल ये जितनी इन्वेस्टमेंट आई है, इनसे करीब 1116 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट तेलंगाना से है, जहां हैदराबाद बेस्ड प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपनी, इन्होंने कहा है कि हम अपनी सेकंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी समीरपेट तेलंगाना के अंदर सेटअप करेंगे, करीब यहां पर 80 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये कंपनी एरोस्पेस के क्षेत्र में तथा और भी कई सारी चीजों के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई सारी नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके सेटअप करेगी। प्लांट करीब 50 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा और इसके लिए 50 एकड़ लैंड तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने पहले ही एलोकेट कर दिया है। प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने के बाद करीब 1500 लोकल्स को यहां पर जॉब मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट असम से है, जहां वोटसिला ने ट्यूसडे को कहा है कि इन्हें ऑयल इंडिया से करीब 30 मेगावाट के पावर प्लांट सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ऑयल इंडिया से इन्हें कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन इस बेसिस पे मिला है। ये पावर प्लांट ऑयल इंडिया की फैसिलिटी में सेटअप किया जाएगा, करीब इसको 2022 के नवंबर तक कमीशन करना होगा। वेल, अभी इस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा है कि ये जो पावर प्लांट है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा कि ये थर्मल होगा या फिर सोलर होगा या फिर विंड होगा। नेक्स्ट अपडेट मुंबई से है, जहां फाइनोटेक्स केमिकल, इन्होंने एमओयू साइन किया है विद द सिंथेटिक आर्ट सिल्क मिल रिसर्च एसोसिएशन इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट टेक्सटाइल से संबंधित है। इसके तहत ये स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप करेंगे मुंबई के अंदर। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का फोकस न्यू सस्टेनेबल सोल्यूशन और केमिकल पर होगा, जिसके तहत ये वाटर यूसेज, टाइम, एनर्जी कंजप्शन, इनके यूसेज को कम कर देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिल्ली से है, जहां दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बीट्स इनवाइट किए हैं ऑनलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्विन टनल अंडरग्राउंड रैंप और 6 अंडरग्राउंड स्टेशन। इसके अलावा इसमें आर्किटेक्चरल फाइनिंग समेत और भी कई सारे छोटे काम शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का हिस्सा है, जो कि जनकपुर वेस्ट से आरके आश्रम कॉरिडोर तक है। दोस्तों, डीएमआरसी का फेज 4 6 लाइन का होने वाला है, जिनकी लेंथ करीब 104 किलोमीटर है। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही करीब 3 लाइन को अप्रूव कर दिया है, जिनकी लेंथ 65 किलोमीटर है। इसमें मैजेंटा लाइन के एक्सटेंशन से जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, जिसकी लेंथ 28.92 किलोमीटर है, ये लाइन है और ये 22 स्टेशन के साथ है, इसको अप्रूव कर दिया है। दूसरा सिल्वर लाइन है, जो कि एरो सिटी से तुगलकाबाद है, जो कि करीब 23.6 किलोमीटर है, इसमें 15 स्टेशन है और इसको अप्रूव कर दिया है। वहीं तीसरी लाइन है पिंक लाइन, जो कि 12.50 किलोमीटर लंबी है, ये मुकुंदपुर से मौजपुर तक है। तो जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम तक ये जो लाइन है, इस पे टेंडर इनवाइट किया गया है और डीएमआरसी करीब इस लाइन को 2024 तक ऑपरेशनल करना चाहती है। लाइन के अंदर एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार के डेवलपमेंट शामिल है। नेक्स्ट अपडेट झारखंड से है, जहां सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन्होंने बीट्स इनवाइट किए हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिपल आईटी कैंपस एट सांगा विलेज। कॉन्ट्रैक्ट के तहत फेस 1 के तहत जो कंस्ट्रक्शन यहां पर किया जाएगा ट्रिपल आईटी का, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट शामिल है। उसमें बात करें तो इसमें एकेडमिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, बॉय हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, डायरेक्टर रेसिडेंस, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, फायर लाइट सिस्टम, स्ट्रीट लाइट सिस्टम, लिफ्ट, इन सबको एस्टेब्लिश किया जाएगा। प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 106 करोड़ रुपए है और प्रोजेक्ट को करीब 24 महीनों के अंदर कंप्लीट करने की डेडलाइन दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, जहां जीवीके ग्रुप, इन्होंने रिसेंटली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक पब्लिक डोमेन में रिलीज किया है। वेल, इस एयरपोर्ट के डिजाइन को जा हदीद आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया है। इस कंपनी ने बीजिंग एयरपोर्ट को भी डिजाइन किया था। आपको बता दें कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई के अंदर कोपरा पनवेल एरिया में लोकेटेड है। इसका डेवलपमेंट वर्क जीवीके ग्रुप कंप्लीट करेगी। जीवीके ग्रुप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ऑन करती है और ये CIDCO के साथ पार्टनरशिप करके, आपको बता दें कि ये जो डिजाइन बनाया गया है, ये लोटस फ्लावर से इंस्पायर होकर बनाया गया है।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होने वाली है। इसको सब अर्बन रेलवे, मेट्रो, वाटर ट्रांसपोर्ट, एक्सप्रेसवे, इन सब से कनेक्ट किया जाएगा, कुछ को डायरेक्ट और कुछ को बाय लिंक। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रैफिक को कम करेगा और शिफ्ट कर देगा अपने पे। नेक्स्ट अपडेट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से है, जहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम करीब अब 65% तक पूरा हो गया है। काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कई जिलों से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यहाँ पर जो मशीनरी यूज़ हो रही है, क्योंकि बहुत सारा लोड मशीनरी लेकर आती है, उससे क्या हो रहा है कि जो जिले की सड़कें हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो उनकी मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर गड्ढे हो जा रहे हैं, ये जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, जिससे करीब यहाँ पर सड़कों को नुकसान हो रहा है। और ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि 5 सालों के अंदर एक जिले के अंदर 5 लोगों की मौत इसके कारण हुई है। दोस्तों, देश के अंदर जो हाईवे बनाए जाते हैं उनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट की सड़कें होती हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब होती है। अब यहाँ पर एक ही काम हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिस्ट्रिक्ट की रोड्स को बनाए उनको हाईवे की तर्ज पे बनाए, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। चलिए स्टार्टअप न्यूज़ देखते हैं, जहाँ इंडियन स्टार्टअप स्पिनी गुरुग्राम बेस्ड स्टार्टअप है। ये टाइगर ग्लोबल के साथ बातचीत में है फॉर द रेसिंग ऑफ अराउंड $100 मिलियन। इस फंड रेसिंग के साथ इसका वैल्यूएशन $800 मिलियन हो जाएगा। वहीं भारत का बेंगलुरु बेस्ड एटेक स्टार्टअप क्योमैथ ये $100 मिलियन की फंडिंग रेस करना चाहता है, जिसके लिए इन्वेस्टर से बात कर रहा है, और इस फंड रेसिंग के साथ इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाएगा और ये भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाएगा। ये फंडरेसिंग के बाद अपने बिजनेस को सिंगापुर, न्यूजीलैंड यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहता है। तो वैसे हमारे जो एडटेक स्टार्टअप है इनकी ये खासियत है कि वो इंडिया के अंदर अपना अच्छा खासा मार्केट बनाने के बाद अब ओवरसीज मार्केट को ढूंढ रहे हैं, और जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये टाइम अभी इंडियन स्टार्टअप्स के पास है। हमारा जो बायजूस है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप है, तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक MNC बन जाए, हर देश में अपने बिजनेस को फैला दे, चाहे वो बहुत अमीर देश हो चाहे वो गरीब देश हो। वहीं दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप कॉन्वासाइट, इन्होंने $9 मिलियन की फंडिंग रेज की है फ्रॉम सिंगापुर वेंचर। मैंने आपको बताया था कि जो ये कॉन्वासाइट है ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो फेसबुक ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड, रेडिट, इनको मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है कि जो ब्रांड्स है उनको इन ग्रुप्स के बारे में बताता है, उनको ही फायदा होता है और इसको कमीशन भी मिलता है। और इस स्टार्टअप ने पिछले 12 महीनों के अंदर अपने रेवेन्यू में 25 गुना की ग्रोथ देखी है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आपसे एक निवेदन है कि आप जिस भी राज्य से हैं आप अपने न्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं। सिंपली आप कभी भी न्यूज़ को सबमिट कर सकते हैं, जैसे भी आपको न्यूज़ मिलती है। आपको न्यूज़ सबमिट करने के लिए आप कोई सी भी वीडियो में चले जाइए, उस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा सबमिशन का, वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं और वहाँ पर लिंक दे सकते हैं जो न्यूज़ की है। इससे हम आपके न्यूज़ को कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।